स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। विशेष टिप्पणी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल, दैनिक अथवा नियमित रूप से होने वाले क्रिया के सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्यों में एवरी डे, हर रोज, एवरी संडे, प्रत्येक रविवार, सम टाइम, कभी कभी, ऑफन, बार बार, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, कदापि नहीं, इत्यादि शब्दों का उपयोग होता है। तीसरे पुरुष एक वचन के सिवाय अर्थात आई या वी या यू या दे के साथ क्रियापद वही के वही स्वरूप में उपयोग होता है। उदाहरण, आई गो, वी प्ले इत्यादि। तीसरे पुरुष एक वचन में क्रियापद को एस या ईएस प्रत्यय लगता है, जैसे कि अशोक प्लेज क्रिकेट एवरी डे, अशोक हर रोज क्रिकेट खेलता है। He never works on Sundays. वह रविवार को कभी काम नहीं करता। She goes to this school every day. वह इस स्कूल में हर रोज जाती है। निषेधवाचक क्रिया दर्शाने के लिए तीसरे पुरुष एकवचन does not और दूसरे सब में do not का उपयोग किया जाता है, जैसे कि I don't know your name, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। We don't play on working days, काम करने के दिनों में हम नहीं खेलते। Pankaj does not work hard, पंकज कठिन काम नहीं करता। प्रश्न पूछते समय do या does वाक्य की शुरुआत में आता है, बाद में कर्ता आता है और फिर क्रियापद आता है, जैसे कि does he work in this office, वह इस कार्यालय में काम करता है। Do you take tea, तुम चाय लेते हो। Does Ashok learn French, अशोक फ्रेंच सीखता है। निषेधवाचक प्रश्न पूछने से पहले वाक्य की शुरुआत में do या does, बाद में कर्ता और बाद में not आता है। बातचीत के दौरान कभी कभी don't या doesn't के बाद कर्ता आता है, जैसे कि Don't you know my name, तुम्हें मेरा नाम मालूम नहीं है क्या। Doesn't he live in Santa Cruz, वह सांता क्रूज में नहीं रहता। Do they know all about it, उस बारे में वह सब कुछ नहीं जानता। जब क्रियापद के किनारे वाई हो और उसके आगे व्यंजन हो, तब तीसरे पुरुष एक वचन में वाई की जगह ies आता है, जैसे कि उषा स्टडीज हार्ड, उषा कठोर परिश्रम करती है। A bird flies in the air, air हवा, पक्षी हवा में उड़ते हैं। जब क्रियापद के किनारे s, ss, sh, x या o आता है, तब तीसरे पुरुष एक वचन में s के बदले es लगता है, जैसे कि A doctor washes his hands with soap, soap साबुन, डॉक्टर अपने हाथ साबुन से साफ करता है। अशोक पासेस इन ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट विषय, अशोक सभी विषयों में पास होता है। ही विशेस, विशेस चाहता है। योर सक्सेस, सक्सेस सफलता, वह तुम्हारी सफलता चाहता है। रमेश फेचेज
मिल्क फॉर द फैमिली। रमेश परिवार के लिए दूध लाता है। विनोद गोज टू हिज ऑफिस बाय कार। विनोद मोटर में बैठकर कार्यालय जाता है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।